Honestly, this was the my worst movie experience ever. पिछले लास्ट 2-3 दिन से जो व्लॉग्स नहीं आ रहे थे बिकॉज मेरे इंटरनल एग्जाम चल रहे थे उस रीजन से नहीं आ रहे थे. सो वेलकम बैक टू चैनल एवरीवन. आई होप यू गाइस आर डूइंग एब्सोल्युटली फाइन. सो राइट नाउ इट्स 7:30 इन द मॉर्निंग. मैं अभी जस्ट उठा हूँ और फ्रेश हुआ हूँ. सो आज का प्लान ऐसा है कि थोड़ी देर में नहा धो के फ्रेश होकर 10 बजे तक RTO के लिए निकलते हैं और फिर देखते शाम को क्या करना है. एंड इन दी एंड ऑफ दिस व्लॉग आई वॉन्ट टू टॉक टू गाइज अबाउट समथिंग रियली इंपॉर्टेंट अबाउट माई चैनल. सो स्टे ट्यून्ड. RTO जा रहे थे, थोड़ा बहुत मोटो ब्लॉग तो करेंगे ही उस रीजन से. एक्शन कैमरा वो मैंने चार्ज पे रख दिया है. सो अभी थोड़ी देर चार्ज होने देते हैं गाइस. तो अभी चलते हैं मार्केट, घर का कुछ इंपॉर्टेंट सामान लेने के लिए. सामान है वो हम ले चुके हैं. सो अभी घर जाके फटाफट नहा धो के फ्रेश हो जाते हैं और RTO के लिए निकलते हैं. कैसे नहा धो के फ्रेश हो चुके हैं. एंड जो हमें RTO जाना था लाइसेंस के लिए वो अब नहीं जा पाएंगे बिकॉज मैंने वहाँ पे कॉल किया था. सो दे टोल्ड कि आज बंद है, सो मत आओ. तो अभी लाइसेंस का क्या होगा कैसे होगा बाद में देखा जाएगा. मैं तो अभी नहा धो के फ्रेश हो चुका और आफ्टर 3 डेज मैंने हेयर वॉश किया बिकॉज गैस. सो इट्स 10 in the morning और लास्ट क्लिप शूट करने के बाद तो मैं ऐसे लेटा हुआ था. थोड़े बहुत मुंबई करने के वगैरह के वीडियोज़ देखे. सो राइट नाउ मेरा जो शेल्फ है वो बहुत ज़्यादा मेस्ड है. उसके बाद तो मेरा पूरा ये जो शेल्फ है पूरा मेस्ड अप पड़ा हुआ. मैं आप लोगों को दिखाता हूँ मेरा बुक्स का शेल्फ है और इसकी हालत देखो, पूरा का पूरा मेस्ड अप पड़ा है. कुछ एक दो चीज़ें हैं वो मिल भी नहीं रही है. शेल्फ को पूरा क्लीन करते हैं और फिर दो जो चीज़ें नहीं मिल रही वो भी मिल ही जाएगी. ऑफकोर्स यहाँ से जाएगी कहाँ. मेरा हेलमेट जो ऊपर पड़ा हुआ है उसके ऊपर जो मैंने अपना एक्शन कैमरा लगाया हुआ है, ऊपर जो मैंने कैमरा माउंट किया उसका एक 3.5 mm टेप है जो मैक्सिमम 10-15 दिन यूज़ कर सकते, उसका चेंज करना होता है. सो अभी ये सब क्लीन करने के बाद ये एक टेप में साइड में रख रहा हूँ और वो चेंज करना है. ये जो टेप है वो और बाकी सब एसेसरीज मुझे अपने SJKM के साथ मिली थी और एसेसरीज के मामले में SJKM इज़ रियली अ गुड ब्रांड. गाइस फाइनली आफ्टर 1 आवर ऑफ हार्ड वर्क शेल्फ फाइनली क्लीन हो चुका है. मैं आप लोगों को दिखाता हूँ. फर्स्ट शेल्फ है, इसमें मेरी सारी लॉ की बुक्स रखी हुई है और फाइल्स रखी हुई है. सेकंड शेल्फ में मेरे कैमरा गेयर्स है, ट्राईपॉड है, नीचे लैपटॉप है, बैग्स है और लास्ट शेल्फ में मेरी नॉवल्स और डिक्शनरीज की बुक्स रखी हुई है. ठीक पहले ये वाले कबर्ड में कैमरा गेयर्स का कोई सेक्शन नहीं था बट जो एडिशनल बुक थी मैंने वो बेड में रख दी है और उसकी जगह मैंने कैमरा गेयर्स का सेक्शन बना दिया बिकॉज दैट वॉज रियली इंपॉर्टेंट. सो जो हेलमेट का जो टेप चेंज करने की बात कर रहा था मैंने नया टेप इंस्टॉल कर दिया इसके अंदर है. सो मे भी नहीं दिख रहा होगा, ये रहा पुराना टेप और देखो ये काफ़ी ज़्यादा गंदा हो गया, 1 महीने के ऊपर हो गया लगाए हुए. बट अभी मैंने इसका टेप चेंज कर दिया बट गलती से थोड़ा ऊपर इंस्टॉल हो गया बट इट्स रियली ओके. सो ग्रेट सक्सेस. ऑलराइट गाइस, सो शेल्फ वगैरह सब क्लीन हो चुका है. इट्स 11 in the morning और मैं और मेरा फ्रेंड जा रहे हैं मतलब कैनन के स्टोर में, वहाँ पर थोड़ा कैमरा के बारे में इंक्वायर करना है. सो वहाँ पर चलते हैं. गाइज ऐसा कुछ मतलब फिक्स नहीं है कि कैमरा आज ही ले लेंगे, बस इंक्वायर करने जा रहे हैं कि कैमरा का क्या सीन है, क्या प्राइसिंग है. और हवा बहुत चल रही है, मेरा पूरा बाल ऐसा उड़ रहा है. और 1 मिनट मैं आपको कुछ दिखाता हूँ. एक्टिवा जस्ट कम्प्लीटेड 13,000 किलोमीटर्स. मेरा अभी ध्यान गया, हाँ एक्टिवा जस्ट कम्प्लीटेड 13,000 किलोमीटर्स एंड लाइक वाओ, बहुत सारी मेमोरीज है, बहुत सारी राइड्स की है मैंने इस पर एंड लाइक वाओ दिस इज़ मतलब मेरे पास भले ही GSA कितने भी सालों बाद आ जाए, कितनी भी स्पेशल हो बट दिस एक्टिवा विल बी रियली स्पेशल फॉर मी एंड मैं एकदम दिल से बोल रहा हूँ. आपको दिख रहा होगा जैसे कि कैनन बंद है, किस रीज़न से बंद है आई डोंट नो. फिर इधर टाउनशिप के यहाँ पे है ना एक शॉप, हाँ तो वहाँ पे जाके देखते हैं कि क्या सीन है. ऑल राइट गाइस, आई हैव रीच माई बिल्डिंग और जो कैमरा का प्राइस पूछने गए थे एक्चुअली वो कैमरा बंद है, मतलब कैमरा का जो शॉप है वो बंद है. विरार में ज़्यादा शॉप्स नहीं है एक्चुअली कैमरा गेयर्स के रिलेटेड. सो वो जो एक शॉप है वो बंद है और मुझे कहीं पे भी शॉप नहीं मिला. सो उसके लिए कभी किसी दिन और चलेंगे, अभी घर जाते और रेडी होते हैं और किस रीज़न से रेडी हो रहे हैं वो बता दो. गाइस सो आई एम ऑल सेट, वाइट शर्ट, ब्लैक जीन्स एंड मैं इसलिए रेडी हुआ बिकॉज आई एम गोइंग टू वॉच द मूवी जर्सी विथ माई फ्रेंड्स. 12:15 का शोर में काफ़ी ज़्यादा लेट होगा तो मैं आपको थिएटर पहुँच के मिलता हूँ. सो आई एम बैक होम एंड मैं बिल्डिंग में वापस आ चुका हूँ
एंड लिटरली मूवी का एक्सपीरियंस वॉज रियली बैड बिकॉज मूवी देख ही नहीं पाए. वहाँ पे जो थिएटर में लाइट था वो लाइट चले गया था, उस रीज़न से दे वर नॉट शोइंग अप द मूवी. और हम लोग वैसे ही बिना मूवी देखे रिटर्न आ गए घर पे. सो अभी ऊपर जाते थोड़ा बहुत फ्रेश हो जाते, मूड का तो पूरा धजिया उड़ गया. दिस थिंग इज़ रियली ऑफ अ शेम. लाइक इतने बड़े बड़े ब्रांड्स के, इतने बड़े बड़े थिएटर्स में जनरेटर्स नहीं हैं, दे आर कैंसलिंग द शोज, लोगों के मूड ऑफ हो रहे, दे कांट वॉच देयर फेवरेट मूवीज. एंड दिस इज़ लाइक यू नो, इतने बड़े बड़े थिएटर्स है फिर भी जनरेटर्स प्रोवाइड नहीं है, अच्छी इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, लाइक दे डोंट हैव एनी बैकअप फॉर इट. एंड इट्स रियली यू नो, इट साउंड्स रियली बैड कि इतने अच्छे अच्छे ब्रांड के थिएटर्स में ऐसा सब हो रहा है. लाइक इट शुड बी इम्प्रोवाइज फ्रॉम माई पॉइंट ऑफ व्यू. वॉट योर पॉइंट ऑफ व्यू इज कमेंट डाउन बिलो. ऑनेस्टली दिस वॉज द माई वर्स्ट मूवी एक्सपीरियंस एवर. एंड आई थिंक द थिएटर शुड कीप द बैकअप्स ऑफ एवरीथिंग बिकॉज दे हैव वेरी बिग ब्रांड एंड ऑफकोर्स दे अर्न अ लॉट ऑफ मनी, सो उनके पास कुछ ना कुछ तो बैकअप होना ही चाहिए. एनी वेज ये सब तो होता रहता है. सो इट्स 7 इन द इवनिंग और पीछे का कलर बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रहा है. फ्रेम में आपको परफेक्टली नहीं दिख रहा होगा बट इट्स रियली मेस्मराइजिंग. सो राइट नाउ इट्स 7 इन द इवनिंग. अभी चलते हैं, थोड़ा बहुत वॉक करते हैं और फिर स्टेशन के साइड पर एक नया कैफे खुला है और चाय सुट्टा पर, उसे बहुत सारे आउटलेट्स हैं इंडिया में. एंड आई हैव बीन टू मुंबई इज़ वन, कांदिवली इज़ वन. यहाँ का कैसा होगा आई रियली डोंट नो. सो चलते और देखते हैं कि क्या है कैसा. यार पीछे का कलर से तो मुझे प्यार हो रहा है लिटरली, इतना अच्छा लग रहा. तो दिन है ना वो पूरा बहुत ज़्यादा ख़राब है बिकॉज फर्स्ट थिंग विच हैपेंड इज मैं आरटीओ जाना था, वहाँ पर नहीं जा पाया. अभी चाय सुट्टा पर जाना था, वहाँ पर भी कैंसिल हो गया बिकॉज मुझे यहाँ पर कुछ तो काम है, उस वजह से मैं आया हूँ. मैं भी जा पाएंगे नहीं आई डोंट नो. मूवी का प्लान भी फ्लॉप हो गया, इसका दिन ही लिटरली ख़राब है. बट कोई नहीं, एक काम खत्म करके आप लोगों से मिलता हूँ. राइट गाइस, जो मेरा जो काम था वो ख़त्म हो चुका है बट इट्स टू लेट, आई कांट गो टू चाय सुट्टा बार राइट नाउ. सो राइट नाउ आई एम हेडिंग टूवर्ड्स माई होम. हे गाइज, इट्स 10:48 इन द नाइट और मेरा हालत बहुत ज़्यादा गंदा हो चुका है. होल डे आई वॉज इन द सेम क्लोज, दैट्स वाई. एंड घर पर आके तो मैं थोड़ा बहुत डिनर विनर किया, फिर टी वी देख रहा था एंड ज़्यादा कुछ था नहीं शूट करने के लिए, सो आई डेंट शूट. एंड जैसे कि मैंने स्टार्ट ऑफ द ब्लॉग में बताया था कि आई वॉन्ट टू टॉक टू यू गाइज अबाउट समथिंग रियली इंपॉर्टेंट. सो द थिंग इज़ दैट आई एम स्टार्टिंग विद द डेली ब्लॉग सीरीज वंस अगैन. लाइक ऐसा कोई पर्टिकुलर डेज मैंने सिलेक्ट नहीं किया कि कब तक डेली ब्लॉग्स करूँगा, बट जितना मेरे से हो पाएगा उतना आई विल गिव माई बेस्ट टू डू डेली ब्लॉग्स. एंड आई एम नॉट प्रोमिसिंग यू गाइज कि मैं डेली ब्लॉग्स डालूंगा, बट जितना मुझसे हो पाएगा, जितने दिन मैं कंटिन्यू कर पाऊँगा उतना आई कंटिन्यू. एंड इफ़ आई नीड अ ब्रेक सो आई टेक द ब्रेक एंड उसके बाद से मैं ब्लॉग्स कंटिन्यूस पोस्ट करता रहूँगा. सो इफ़ यू लाइक दिस ब्लॉग फॉर व्हाट्सएवर रीजन, शॉर्ट एंड सिंपल ब्लॉग था, ज़्यादा कुछ था नहीं इसमें. फॉर व्हाट्सएवर रीजन दैन डोंट फॉरगेट टू हिट द लाइक बटन. नए हो सब्सक्राइब करो एंड हेल्प मी टू ग्रो. डू फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम @thatkaran फॉर अपडेट्स. आज का जो मूवी एक्सपीरियंस था दैट वॉज रियली बैड एक्सपीरियंस, बट ऐसा सब चीज़ें तो लाइफ में होते रहता है. नाउ आई गेट द बैड एक्सपीरियंस, कल मुझे कोई अच्छा एक्सपीरियंस मिल जाएगा. सो अप्स एंड डाउन होते रहते, सो देर इज नो इश्यू. इन द नेक्स्ट ब्लॉग टिल देन बाय, आओ जो. If you find the one, you should never give her up. I think it's the way life changes when in love, yeah. I surround my soul with the positivity.